अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कुरैसी एस किचन से। आज हम बना रहे हैं दालचा। तो उसका सामान ये है कि मैंने लिया है 250 ग्राम मटन, और उसमें ये मसाले जाएंगे, 8 से 10 हरी मिर्ची, 2 बड़ी प्याज इसको हम पीस लेंगे, और 1 चम्मच अदरक लहसुन, 1 बड़ा टमाटर है, 1 डेढ़ चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची। आप अपने हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये खड़े गरम मसाले, क्योंकि पिसा हुआ भी जाएगा तो हम खड़े थोड़े ही डालते हैं। और ये है 2 से 3 खटाई, यानी आमचूर का पाउडर, सूखी खटाई आती ना, सूखा मैंगो। और ये है दूधिया, और मैंने 1-1 कप तुअर और मसूर की दाल ली है। मैंने ये दाल को भिगा दी, इसको अलग उबालना है अपने को। और ये कोथमीर, पुदीना और पिसा हुआ गरम मसाला, ये बाद में जाएगा, दाल को अलग बॉईल करना है। अभी मैं बाद में मिलती हूँ आपको। नमक और 1/2 चम्मच तेल और 1 तेज़पत्ता डाल के इसको उबलने रख दिया। अब इसको हम लगाएंगे ढक्कन, दाल को अलग गलाना है, इसको 2 सीटी लेना है। और अब हम अपना मटन भगा रहे हैं, गए खड़े मसाले, तेज़पत्ता, काली मिर्च, 4 चीज़ें लेना है। तेल गरम हो गया, अब इसमें हम डालेंगे अपना मटन। देखिए हम भून रहे हैं इसको। अब इसमें जो मैंने कांदा, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन पीसा था, वो देखिए अब ये मसाला इसमें जाएगा। इसमें अदरक लहसुन भी 1 चम्मच। बस ज़रा सा चलाना है। इसमें अब जाएंगे सूखे मसाले जो हमारे थे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा टमाटर, नमक। दाल में भी नमक डालो तो इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और जो दूधिया है और कोथमीर, हरा धनिया और पुदीना है, उसको हम बाद में डालेंगे जब हम दाल वाल को मिक्स कर देंगे। प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए व्यूअर्स, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं और भी अच्छी अच्छी डिशें आपको बताते रहूँगी, प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए मुझे। मटन भून रहा है अभी, तो अब इसमें हम लौकी डालेंगे, और दाल तो हमने गला ली है, लौकी थोड़ी नरम हो जाएगी। लौकी के साथ ही भुनेंगे ये दालचा। आप बना के खा के देखिएगा कैसा बनता है। और जो हमने खटाई भिगाई है वो सब हम बाद में डालेंगे, जब दाल लौकी सब गल जाएगा, कोथमीर, हरा धनिया, पुदीना सब हम बाद में डालेंगे। अभी पहले हम दाल और डाल के इसको सीटी लेंगे। मैंने 2 सीटी ली थी, अब 1 सीटी और लेंगे। अब इसमें हम दाल डालेंगे, दाल जो गला के रखी है ना, दाल डाल। इसमें जो कटा हुआ कोथमीर पुदीना थोड़ा सा डालेंगे, तो ये जो खटाई भिगा के रखे थे ना, खटाई डालेंगे। देखिए अगर इसको गलने रखे सिलो आँच पे, थोड़ा पकेगा, उसके बाद हम इसको भगा रहे हैं। ये देखिए हमारा दालचा रेडी हो गया, अब इसको हम भगा रहे हैं। ये
प्याज का भगार करेंगे। तेल लिए मैंने 2 बड़े चम्मच और एक आधी प्याज लिए, और ये अभी आधा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, पिसा हुआ होममेड गरम मसाला है ये डालेंगे, थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना डालेंगे खुशबू के लिए, थोड़ा सा अच्छा कलर आए हमारे दालचे का। तो हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करेंगे जब प्याज लाल हो जाएगी, और थोड़ा सा एक ड्रॉप केवड़ा वाटर, एक आपको डालना है डालिए नहीं तो स्किप कीजिए। ये लाल मिर्ची डाली हमने जरा सी, एक ड्रॉप केवड़ा वाटर। और ये है हमारा जीरा राइस, आप इसको बनाइए और खा के मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।